यमुनानगर के गांव कलानौर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाकया सामने आया है। यहां पर एक 90 साल की बुजुर्ग महिला को एक युवक ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। महिला घर पर अकेली रहा करती थी। पड़ोस में रहने वाले लक्ष्मण नाम के एक शख्स ने महिला के घर में जबरन घुसकर उसके साथ शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया। बूढ़ी होने के चलते महिला अपना बचाव भी नहीं कर सकी। उस महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने पहले भी उसके साथ छेड़खानी की थी। मामले में पुलिस ने महिला का मेडिकल चेकअप करवा लिया है। रेप की पुष्टि की जा चुकी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच का काम शुरू कर दिया है। वहीं गांव में रहने वाले आरोपी लक्ष्मण को भी पकड़ लिया गया है। अकेले रहते थे कमरे में अपने, तो जो किसी ने इसका रेप कर दिया। दो दिन तक तो बातें बताया नहीं बुढ़िया ने, दो दिन के बाद बताया। फिर लड़का भी पकड़ लिया, आरोपी है। थोड़ा पुलिस ने गड़बड़ करी थी, पुलिस ने रेप छेड़खानी का बना दिया, रेप का बनाया गया। अब हमने दोबारा मेडिकल करा के फिर पुलिस ने अपने काम ठीक करा जी। तो कहाँ, कौन था लड़का? गांव का ही था? हाँ, गांव का ही था जी। क्या नाम? लक्ष्मण नाम का लड़का था जी। ये एक बुजुर्ग महिला है, उन्होंने आरोप लगाया है कि उसके साथ घर में उसके एक लड़का है, जिसने ज़बरदस्ती छेड़छाड़ करके उससे गलत काम किया। तो शिकायत के आधार पर हमने जो मामला दर्ज कर लिया है और तफ्तीश भी जारी है, और इसमें जो दोषी है उसको हमने दर्ज किया जाए। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।